हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान योग श्लोक 13 चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वैद्य कर्तारम व्ययम् भूतप्रकृतिर त्रिगुण एवं से गुण अनुसारे कर्मानुजायी मानव समाज रे थिबा चारि वर्ण विभाग मो द्वारा सृष्टि होइछि। जदियो मु ए वर्ण विभागर सृष्टिकर्ता तथापि तुम्हें जाणि रखिया उचित जे मु अव्यय बा अपरिवर्तनीय होइथिबा जोगु मु अकर्ता अटे। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू थ्री मोड ऑफ मटेरियल नेचर एंड द वर्क एसोसिएटेड विथ देम द फोर डिविजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर क्रिएटेड बाय मी and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the nondoer being unchangeable. Hare Krishna. Srila Prabhupada Maharaj ethi kahuchanti bhagavan heuchanti samastankara srushtikarta sabu tanka tharu jato tanka dwara samaste paripalita heuchanti vinasha va pralaya pare madhya tanka thare samaste ashray niyanti tenu samaj re thiba chari varna ra se srushtikarta atanti। प्रथम वर्ण होती ब्राह्मण बा बुद्धिमान श्रेणी, एम सत्गुण में अवस्थान करती एम को ब्राह्मण कह जाए। तत्पर श्रेणी होती शासक श्रेणी बा क्षत्रिय, एम रजगुण में अवस्थान कर क्षत्रिय कह जाए। तृतीय गुणर व्यक्ति होती वैश्य व्यावसायिक गोष्ठी व्यवसाय व्यवसायी, एम रजगुण और तमगुण मिश्रित गुण में अवस्थान करती। चतुर्थ श्रेणी होती शूद्र व श्रमिक श्रेणी, एमाने भूत प्रकृतिर तम गुण रे अवस्थान करती। जदियो भगवान श्रीकृष्ण मानव समाज रे चारि वर्णर सृष्टिकर्ता अटंती, तथापि से चारि गोटी वर्ण विभाग मध्य कौनसीटीर अंतर्गत नुहंती, कारण से बद्ध जीव नुहंती। बद्ध जीव मानकु नै एई मानव समाज गठित, जे कौनसी पशु समाज बा प्राणी समाज परि मानव समाज एक समाज अटे, किंतु मानवंकु पशु स्तररु उन्नत हेबा निमित्त ए चारि वर्ण विभाग सृष्टि करिछंती। कृष्ण चेतना मार्गरे कर्मनोति विधान निमित्त ए चारि वर्ण विभाग सृष्टि करिछंती। एक निर्दिष्ट मानव की कर्म करिवो ता पक्षरे बा ता मध्यरे थिबा भूत प्रकृतिर गुणर प्राधान्य अनुजाई स्थिरीकृत हुए। भूत प्रकृतिर विभिन्न गुण अनुजाई किपरी विभिन्न प्रकार कर्मर व्यवस्था दि जाइए, ताहे पुस्तकर अष्टादश अध्याय वर्णना करा जाइछि। अवश्य ए कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ब्राह्मण मानक ठारु ऊर्धरे अवस्थित। साधारणतः ब्राह्मण परम सत्य ब्रह्मक संबंध में ज्ञान अर्जन करिथाय। अधिकांश ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्णंकर निर्विशेष ब्रह्म प्रतीतिरे लीन होबाक इच्छा करती। जो व्यक्ति ब्राह्मण रे सीमित ज्ञान स्तर को टपि जाए एवं परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण को जाणी जाए बा सही ज्ञान स्तर रे उपनीत हो जाए, से कृष्ण चेतनशील व्यक्ति हो जाए। अन्य कथा रे ताकु वैष्णव बोली कहा जाए। कृष्ण चेतना रहिले एथि मध्यरे सबु जाए, अर्थात एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति समस्त ज्ञान अर्जन करिथाय। से राम नृसिंह वराह प्रभृति कृष्णकर विस्तृत अंश बा स्वांशमान संबंध रे मध्य पूर्ण ज्ञान अर्जन करिथाय। जेपरी कृष्ण मानव समाज रे थिबा ए चारि वर्ण विभागर ऊर्धरे अवस्थित, सेहिपरि एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ए चारि वर्ण विभागर ऊर्धरे मध्य अवस्थित। एहिपरि एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ए चारि वर्ण विभागर ऊर्धरे अवस्थित। अन्य कथा रे एहा ही कहा जाए, जणे वैष्णव सामाजिक वर्ण विभाग गोष्ठी बा जाति विभागर अंतर्गत नुहे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।